हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट टू प्रोटॉन्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी एस शोन इन द फिगर द फोर्सेस ऑन द टू प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल तो हमारे हम इसके लिए जो हम की कांसेप्ट यूज करेंगे की कांसेप्ट की कांसेप्ट वो हमारा जो फोर्स होता है यदि किसी चार्ज कोई चार्ज है चार्ज है क्यू एंड <coughs> यदि <coughs> इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा गया है तो जो फोर्स होगा चार्ज पर वो कितना हो जाएगा? फोर्स टू हो जाएगा क्यू इन टू ये हमारा क्या है फोर्स अब हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टू प्रोटॉन है ए एंड बी ए पर भी जो रखा गया है चार्ज वो प्रोटोन है बी पर भी चार्ज क्या है प्रोटोन है मीन्स दोनों पर जो चार्ज है वो क्या है हमारा सेम है तो यदि तो मैं तो हमारा जो चार्ज होगा चार्ज क्या है हमारा सेम है चार्ज इज सेम चार्ज इज सेम क्योंकि हमारा चार्ज क्या है प्रोटॉन है प्रोटॉन रखा गया तो चार्ज हमारा क्या है सेम है मीन्स क्यू है अब हम देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा प्लस से माइनस की तरफ ऐसा होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो क्या है भी है पोटेंशियल डिफरेंस भी है चार्ज हमारा क्या है क्यू हमारा सेम है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा हमारा सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल या सेम विल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा सेम होगा सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो क्या है ई e है ई e है तो यदि हम चार तो हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा चार्ज हमारा सेम है तो हमारे पास जो फोर्स होगा फोर्स एट ए ए पर Is equal to force, क्या होगा बी पर कितना होगा, e, होगा। क्यू तो, yes, e, तो हमें हमें यही बताना था कि जो फोर्स है हमारा वो आइडेंटिकल है कि नहीं है तो हमारा आइडेंटिकल है ये हमें यहाँ से हमें क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा सेम होगा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल